लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आने वाले हैं। प्रत्याशियों की किस्मत का ईवीएम में कैद है। ईवीएम मशीन की स्ट्रांग सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसपी सिटी देहरादून ने कहा है कि 19 अप्रैल को मतदान दिवस मनाया गया। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में 2 जगह स्ट्रांग रूम बने हैं जहां पर उनको सुरक्षित रखा गया है। ईवीएम की सुरक्षा को लेकर 3 शिफ्ट में ड्यूटी लगाई गई है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, जैसे कि 19 अप्रैल को हमारी मतदान दिवस हो गया था और उसके बाद जो है सारी हमारी जो ईवीएम्स थी वो हमारा महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में जो है 2 जगह हमारे स्ट्रांग रूम बने हुए हैं तो वहाँ जो है उनको रखा गया था और उनको सील कर दिया गया था। उसके उपरांत जो उनकी सुरक्षा जो है वो 3 लेयर में जो है त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई। पहले लेयर में जैसे कि आपको जानकारी है कि उसमें हमारा CPM है वो लगा हुआ है और उसके उपरांत जो हमारा दूसरा दायरा है या दूसरा लेयर है उसमें हमारी स्टेट आर्म पुलिस जो कि हमारी PAC उनको लगाया गया है और जो लास्ट वाला जो कि आउटर रिंग है उसमें हमारा जो जनपद का पुलिस है उसको लगाया गया है। उसमें हमारे द्वारा जो है 3 शिफ्टों में जो है आउटर एरिया में ड्यूटी लगाई गई है और उसमें उनके पर्यवेक्षण अधिकारी के रूप में या तो थाना इंचार्ज या SSI उनको लगाया गया है और साथ में जो हमारे जो पर्यवेक्षण अधिकारी हैं वो राजपत्र अधिकारी हैं उनको भी लगाया गया है। तो सभी के द्वारा जो है लगातार वहाँ का निरीक्षण किया जाता है और ड्यूटियाँ चेक की जाती हैं। मेरे द्वारा भी जो है समय समय पर उनको ड्यूटी को चेक किया जाता है और हमारे जिलाधिकारी महोदय के द्वारा और SSP महोदय के द्वारा भी जो है समय समय पर उनको ड्यूटियों को चेक किया जाता है और अगर कोई कमी पेशी वहाँ पाई जाती है तो आगे उसी स्तर पर निर्णय लेके जो है आगे उसको और अच्छे तरीके से व्यवस्थित उसको किया जाता है। अभी तक किसी प्रकार की कोई शिकायत या किसी प्रकार की कोई सुरक्षा सुविधा भी नहीं हुई और यथावत हमारी ड्यूटी जो है पूरी लगन और मेहनत से जो हमारे कर्मचारी जो है वो स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था कर रहे हैं।